धार नगर के हटवाड़ा क्षेत्र में आज एक स्वान को अज्ञात वाहन द्वारा कुचल दिया, जिसके बाद दोपहर तक उक्त स्वान तड़पता रहा, जिसे राह चलते लोगों ने अनदेखा कर दिया। ऐसे में धार के जाने माने पत्रकार राजेश डाबी श्रीमान जी ने उक्त जीव की पीड़ा देखी तो उनसे रहा न गया और उन्होंने तुरंत जानवरों के लिए कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था के रिदम चौहान को जानकारी दी और रिदम चौहान अपने संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे और घायल पड़े तड़प रहे उक्त स्वान को नगर पालिका की वैन के माध्यम से इलाज के लिए धार की 34वीं बटालियन स्थित अपने संस्थान में ले गए, जहाँ पर गंभीर घायल इस स्वान का उपचार जारी है। जीव प्रेमी सेवी संस्था के रिदम चौहान ने बताया कि वह एक गौशाला भी संचालित करते हैं और घायल गाय एवं अन्य जीवों के उपचार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं राजेश डाबी की इस जीव दया की पहल को क्षेत्रीय लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। इसको रेस्क्यू होगा, ये अभी इसको 34 बटालियन ले जा रहा हूँ, वहाँ इसका इलाज होगा। अच्छा, हा? तो आप कब से करते आ रहे सेवा ये? हाँ, लग गया है। कब से सेवा करते आ रहे हैं ये? हमको भी अभी अभी ज्वाइन हुआ, हमें तो 2 महीना हुआ है इसको, हमारी गौशाला है। अच्छा, कौन सी संस्था से हम? हम सस्ता से नहीं है, गौशाला है हमारी, स्वयं वॉलंटियर है। ये ठीक हो जाएगा जानवर? ये ठीक तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। इसकी जो रीढ़ की हड्डी ना वो टूट गई, काफ़ी इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, पर हमारे पास गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं देती कि हम इसका इलाज करवा पाएं। जो भी होगी इसकी सेवा करेंगे।